कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का डे 3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो अगर आपने अभी तक डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो पहले मेरे चैनल पे जाकर डे 1 और डे 2 देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा डे 3। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को एक ग्रेटर डिग्री के पॉलिनोमियल को एक स्मॉलर डिग्री के पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमने जो सॉल्यूशन किया है उस सॉल्यूशन में आंसर हमारा ठीक है कि नहीं है वो भी हम यहाँ पे चेक करना, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने आंसर को आप चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल, ओके। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कुछ आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं तो मैं थ्रू एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है 3x² + x - 1 और इसको हमें डिवाइड करना है x + 1 से, ठीक है। सो ये स्मॉलर डिग्री का पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है बच्चों, 1 है, इसका डिग्री है 2। किसी को डिग्री अगर समझ नहीं आती है तो डे 1 के लेक्चर में जाके देखिए, वहाँ पर डिग्री के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर बनाया। सो इसको डिवाइड कैसे करना है, देखो बच्चों आपने डिवाइड नॉर्मल जो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो वो तो पता ही है आपको। सो सिमिलर फैशन में हम इसको एज ए नंबर डिवीजन हम उसको सीखेंगे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड सिखाऊंगा इसको डिवीजन करने का। सबसे पहले यहाँ पर डिवीजर लिखो, डिवीजर क्या है हमारे पास, x + 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड लिखो, डिविडेंड कितना है 3x² + x - 1, ओके। अब देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये जो x + 1 है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे जो ग्रेटर डिग्री की टर्म है वो उस पर फोकस करना है आपको। सो सबसे ग्रेटर डिग्री की टर्म कौन सी है यहाँ पे, 3x². तो आपको बच्चों बनाना क्या है यहाँ पे कि x + 1 में यहाँ पे हमें x पे फोकस करना है, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है उस पर फोकस करना है। सो हम x में कितने किस का मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाए, वो 3x² के इक्वल हो जाए। तो x में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, x में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x² बनाने के लिए, 3x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो हम देखो जो यहाँ पे हमारा आंसर आया है x में 3x का मल्टीप्लाई करने पे 3x² बनेगा, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे बिल्कुल बिना किसी डाउट के। सो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 3x लिखा। अब देखो जो भी चीज़ आप कोशेंट में लिखते हो तो कोशेंट में लिखने का मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करके और यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। आप नंबर सिस्टम को जैसे हम डिवीजन करते हैं वहाँ पे जाके थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। तो x + 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3x का मल्टीप्लाई होगा। तो 3x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3x² आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। 3x का मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 3x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो जैसे आप नंबर्स में डिवीजन करते हो तो यहाँ क्या होता है, जो यहाँ पे नंबर आप लिखते हो उसका साइन चेंज कर देते हैं आप, यानी कि माइनस करना है अभी ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये प्लस है तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है 3x तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो 3x² है माइनस 3x² तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ये। उसके बाद x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, माइनस 2x। नंबर सिस्टम में भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई करके डिवीजर और कोशेंट का, मल्टीप्लाई करके जो नंबर लिखा है यहाँ पे उसमें से ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं, जो आंसर आया उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, माइनस 1 है, ओके। तो माइनस 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, देखो सिमिलर फैशन में जैसे जो काम हमने यहाँ किया था अब वो काम हमें अगेन फिर 2x के लिए करना है। तो x में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x हो जाए। सो x में अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस 2 का तो आंसर कितना आएगा भाई बच्चों, माइनस 2x आ जाएगा। x में माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आएगा, हमें माइनस 2x ही बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस 2 का x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलर फैशन जैसे हमने 3x का मल्टीप्लाई x + 1 में किया था उसी फैशन में माइनस 2 का मल्टीप्लाई हम x + 1 में करेंगे। सो बच्चों माइनस 2 अगर x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा आपने यहाँ पे, आ गया आपका माइनस 2x मल्टीप्लाई करी माइनस 2 की x + 1 के साथ तो आ गया आपका माइनस 2x और माइनस 2, ओके।
अब जब ये -2x -2 आ गया तो अब फिर वही काम करना है हमें, अब फिर माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, ये माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। -2x और +2x कैंसिल हो जाएंगे, और -1 और +2, देखो अभी इसका साइन माइनस था तो प्लस हो चुका है, ये प्लस का 2x है और ये -2x है, दोनों को ऐड करेंगे तो डिफरेंस जो वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी। अब -1 और +2, सो +2 और -1 तो कितना आएगा आंसर, +1 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोशेंट, ठीक है, नंबर सिस्टम में डिवीजन में पढ़ा है आपने, कोशेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिवीज़र, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड, और इसको कहते हैं बच्चों रिमाइंडर, ओके। तो वहाँ पे आपने, मैंने पढ़ाया था आपको डिवीजन एलोगरिथम क्या होती है। डिवीजन एलोगरिथम के हिसाब से आपने देखा होगा कि जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवीज़र और प्लस होता है बच्चों रिमाइंडर, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम क्या, डिवीज़न एलोगरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। सो इसके हिसाब से हमें इसको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड कितना है यहाँ पे, 3x² +x-1 इज इक्वल टू, कोशेंट कितना है, कोशेंट है आपका 3x-2, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, डिवीज़र से, डिवीज़र कितना है x+1, और प्लस रिमाइंडर कितना है 1 है, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसको लिखने का, ओके। एक दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, जो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, तो पहले तो हम लिख देते हैं कोशेंट को, तो कोशेंट को लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3x-2, ठीक है, 3x-2, और यहाँ पे लगाएंगे प्लस। अब यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवीज़र, तो ये आ जाएगा x+1। तो इसके दो तरीके लिखने के, एक तरीका ये लिखने का है, ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम में लिखते हो आप, नंबर सिस्टम में जैसे 5/2 है तो इसको कैसे लिखोगे, 2 and 1/2 लिखते हैं, है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। तो सिमिलर फैशन में मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो 3x² + x-1 इज इक्वल टू 3x - 2 + 1/x+1। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमने आंसर लिखा है, ये हमारा आंसर ठीक है कि गलत है, ओके। सो हम चेक भी कर सकते हैं, इसको चेक कैसे कर सकते हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो आपस में, 3x की मल्टीप्लाई x में करो तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। 3x की मल्टीप्लाई 1 में करो तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। -2 की मल्टीप्लाई x में करो तो ये हो जाएगा -2x, -2 की मल्टीप्लाई 1 में करो तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे +1 है। अब इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3x² 3x - 2x माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी प्लस एक्स हो जाएगा, 3x - 2x हो जाएगा प्लस एक्स, -2 + 1 ये हो जाएगा -1, ठीक है। अभी देखो क्या ये आपके इसके इक्वल आ रहा है, 3x + x 3x² + x-1, और यहाँ पे आ रहा है आपका 3x² + x-1। तो आप यहाँ इस मेथड से चेक कर सकते हो अपना आंसर कि आपने जो मेथड यूज़ किया है, आपने आपका जो आंसर आया है वो आपका आंसर ठीक है कि गलत है, तो ये यहाँ पे चेक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी मैं एक और एग्जांपल लूँगा, ठीक है, उस एग्जांपल से थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। सो लेट अस फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, ईजी है ये मेथड, बहुत ईजी है और एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सो आपको ये मेथड अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। उसके बाद हम देखो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डन। अब बात करते हैं 3x⁴ -4x³ - 3x - 1। अब अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे डिवीज़र है हमारा x-1, ठीक है। सो पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने, पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि x-1 में, यहाँ पे x को फोकस करो, बस x को फोकस करना है, और यहाँ पे 3x को फोकस करना है, 3x⁴। x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ हो जाए, तो अगर x में आप 3x की क्यूब का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 3x⁴ हो जाएगा। सो बिना कुछ सोचे समझे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे कोशेंट में लिख देना है 3x³, ओके। सो 3x³ का अब हमें x में मल्टीप्लाई करना है,
ये 3x³ किस में मल्टीप्लाई होगा आपका, x माइनस 3x³ मल्टीप्लाई होगा x-1 में, और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो उसको लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x⁴ माइनस 3x³, ये आ गया, इसको हम यहाँ लिख देंगे 3x⁴ माइनस 3x³। अब फिर वही सब्सट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस 4x³ प्लस 3x³, तो ये बचेगा माइनस x³। अब ऊपर वाला जो बचा है उसको नोट कर लो, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है, x में कितना मल्टीप्लाई करें कि माइनस x³ हो जाए, x में अगर माइनस x² का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x³ हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है हमें, हमें यहाँ लिखना है माइनस x², ये वाला माइनस x² यहाँ लिखा, माइनस x² का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x³, माइनस x² का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x², ठीक है बच्चों, ओके। अब सब फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस और ये हो जाएगा प्लस से माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ ऊपर जो है x² की टर्म नहीं है, बट हमारे यहाँ पे x² की टर्म है, सो ये माइनस x² बचेगा, ठीक है, माइनस x² एज इट इज लिख दिया। अभी लिखेंगे हम माइनस 3x, माइनस 3x लिख दिया और लिखा माइनस 1। अभी सिमिलर फैशन में हमें फिर यही प्रोसेस को दोहराना है, क्या करना है कि x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस x² बच जाए। सो x में बच्चों माइनस x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा कितना, माइनस x² बन जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, माइनस x लिखना है। अब क्वेश्चन में माइनस x यहाँ लिख दिया, माइनस x का पहले मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा, माइनस x का फिर माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस x। फिर सेम फैशन में हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x और माइनस x तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 1। अब फिर सिमिलर फैशन में हमें करना है कि x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x हो जाए, तो x में बच्चों माइनस 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। तो x में माइनस 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4। ओके बच्चों, अब फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, माइनस 5। तो बच्चों माइनस 5 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब लिखने का तरीका देखो, ये हम इसको लिख सकते हैं 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले आप लिखोगे कोशेंट 3x³ माइनस x² माइनस x माइनस 4 इंटू x माइनस 1 और यहाँ लिखोगे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, माइनस 5 है। अब इसको बच्चों सोल्व कर लो इक्वेशन को। अब यहाँ पे क्या है, देखो क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर, ये आ जाएगा कोशेंट और ये हो गया आपका डिवाइजर और ये हो गया आपका डिविडेंड, ठीक है। सो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर माई और प्लस रिमाइंडर। ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आंसर को चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में नहीं करना है आपको, ओके, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है आपको, सिर्फ रफ पे ये क्वेश्चन चेक करना है, अपना आंसर चेक करना है कि आपने क्वेश्चन ठीक किया कि गलत किया है। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3x³ का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x⁴, 3x³ का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x³, फिर x² का x में मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस x³, x² का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x² हो जाएगा, माइनस x का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x, माइनस 4 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 5, ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, माइनस x² प्लस x², तो ये बचा आपका 3x⁴ माइनस 3x³ माइनस x³, तो ये हो जाएगा माइनस 4x³ और x माइनस 4x ये हो जाएगा माइनस 3x और 4 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 1। तो बच्चों आप ये मैच कर लो कि आपका जो ये दिया है डिवाइडेंड जो दिया है डिविडेंड जो दिया है और ये जो आंसर आया आपका, क्या ये सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन आपका राइट है। तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं इस पे, 3, कहीं भी कोई मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ओके। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नेक्स्ट में क्या लिखा है कि x प्लस
एक्स की क्यूब प्लस वन को हमें डिवाइड करना है किससे, एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है। बच्चों देखो दो एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए, ये एग्जांपल अभी वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आप खुद ट्राई करो, और जब आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो उसके बाद ये वीडियो अगेन देखो और देखो कि आपने जो किया है और मैंने जो किया है क्या वो बिल्कुल सेम है। सेम है तो आपने ये मेथड सीख चुके हो। सो अब हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन से एक्स क्यूब प्लस वन को। सो देखो बच्चों एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बने, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन में करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन बचेगा। अब एक्स का मल्टीप्लाई कितना मल्टीप्लाई एक्स में करें कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वन। अब देखो कितने का मल्टीप्लाई एक्स में करें कि एक्स बन जाए, तो सिंपल सी बात है वन का मल्टीप्लाई करेंगे, सो वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वन, तो सब माइनस हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर रिमाइंडर आपका जीरो आ गया। ठीक है, सो अब इसको चेक करके देख सकते हो आप। चेक कैसे करेंगे बच्चों, तो अभी हमने क्या बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिविज़र। सो कोशेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और डिविज़र क्या है आपका एक्स प्लस वन, रिमाइंडर आपका जीरो आया। अब इसको चेक कर लो, एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, और ये जीरो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वन। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये इसका मल्टीपल है कि नहीं। देखो अभी जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया था, थर्ड क्वेश्चन में क्या किया था हमने कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू समथिंग आया था और प्लस रिमाइंडर आया था आपका जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो अगर 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 आता है और प्लस रिमाइंडर हो जाता है जीरो, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना है आपका, जीरो है। तो किसी भी डिवीजन में अगर रिमाइंडर जीरो होता है तो क्या होता है, सो ये जो डिवाइजर है और एक ये आपका जो डिविडेंड है, ठीक है, सो ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तभी तो रिमाइंडर जीरो आएगा। सो अगर ये रिमाइंडर जीरो आता है तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष पे निकलते हैं, वो निष्कर्ष क्या है हमारा कि भाई अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि ये 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। कम्प्लीटली डिवाइड कौन नंबर करता है, जो उसका मल्टीपल। अब इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम डिविडेंड को इसका मल्टीपल कहेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीपल है ये। ओके, सो कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल समझ गए। तो अब हमें देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है क्या ये इसका मल्टीपल है। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि अगर भाई इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो ये इसका मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तो इसका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, सो लेट अस चेक। अभी वीडियो पॉज करके आप इसको चेक करो, पहले डिवाइड करके देखो रिमाइंडर ज़ीरो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद वीडियो प्ले करना और देखना कि आपने जो किया है और मैंने जो किया है क्या मैच हो रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, 2t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी और माइनस 1 को। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखो 2t है यहाँ पे 4t क्यूब है, तो 2t में कितना मल्टीप्लाई करें कि 4t क्यूब हो जाए, 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2t स्क्वायर एंड 2t, ये हो जाएगा 4t क्यूब, 2t स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। 2t में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है t का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t, अब फिर माइनस कर दो, माइनस और माइनस ये कैंसिल, माइनस t और माइनस t हो जाएगा माइनस 2t माइनस 1। 2t में कितना मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2t हो जाए, ऑब्वियस सी बात है माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो, सो हो जाएगा माइनस 2t माइनस 1, दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, जीरो आ गया। सो आप लिखोगे हैंस 2t प्लस 1
डिवाइड्स कंप्लीटली 4t³ प्लस 4t² माइनस टी माइनस 1 हैंस सो 2 सो 4t³ प्लस 4t² माइनस टी माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो। अभी मैं आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ रहा हूँ आपका एक्सरसाइज नंबर 2.3, ये आपको खुद करनी है। अगर कोई बच्चों को आपको डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, सो चलिए आपका डे 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। डे 4 में मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।